नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय युवा मोर्चा राज्य सभापति सौमित्र खान रविवार जलपाईगुड़ी में आकर विस्फोटक मंतव्य किए। उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर ही तृणमूल दल पूरी तरह से टूट जाएगा। तृणमूल में अधिकतर विधायक ही बीजेपी से युक्त होंगे। उन्होंने और कहा कि तृणमूल कमजोर हो चुका है उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि जैसे सौरभ चक्रवर्ती ने 2012 साल में तृणमूल से युक्त हुए हैं। इस विषय पर पत्रकारों द्वारा सौमित्र खास से पलटकर सवाल पूछा जाता है कि इसका मतलब सौरभ चक्रवर्ती क्या बीजेपी से युक्त होंगे। इसका उत्तर देते हुए सौमित्र खास कहते हैं कि मेरा उन सभी के साथ मुलाकात होता रहता है। उत्तर बंगाल के विधायक रविन्द्रनाथ घोष एवं सौरभ चक्रवर्ती जैसे लोगों का बीजेपी में आने में कितना वक्त लगेगा। इस लाइन में बहुत व्यक्ति खड़े हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बीजेपी से युक्त होंगे वे लोग। जलपाईगुड़ी के एक दलीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए थे भारतीय युवा मोर्चा सभापति सौमित्र खा। शनिवार शाम को पांडापाड़ा के एक भवन में इस सभा में उपस्थित थे जिला बीजेपी के साधारण संपादक जयंत चक्रवर्ती, उत्तर बंगाल युवा मोर्चा के को कन्वेनर श्याम प्रसाद, जिला युवा मोर्चा सभापति पोलेन घोष सह अन्य कर्मकर्ता। इस कार्यक्रम में भारतीय युवा मोर्चा राज्य सभापति सौमित्र खा दावी करते हैं कि अगले 7 दिसंबर को 1 लाख बीजेपी कर्मियों को लेकर उत्तर कर्ना का अभियान किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के छिलो और के आछे तृणमूल कांग्रेस एक समष्टिगत दल। एखे जेमन अपना सौरभदा धरून अपन 2012 साले उन्नी कॉग्रेस ऐड़े तृणमूल कॉग्रेस जोगदान कर तृणमूल कॉग्रेस भांगते समय लागे ना। तृणमूल कॉग्रेस एक मास मध्य तृणमूल कॉग्रेस दलटा थकबे ना। तो अने के लाइन दिए आरा अस्तित्व रक्षार्थे ता जेको दिन झाप दीते देखो पश्चिम बांगल् तृणमूल कॉग्रेस जो तैरी 3-4 जन नेतृत्व साथे जमी মমতা ব্যানার্জী মুকুল রায় তার সঙ্গে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তো মুকুলদা চলে এসেছেন, মুকুলদা আমাদের লিডার, শুভেন্দু অধিকারী হয়তো কয়েকদিন মধ্যেই তার ইতিবাচক ছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি, হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে দেখতে পাবো। অপরদিকে আর যেসব নেতা আছে সুব্রতবাবু, সুব্রত মুখার্জি বা আপনাদের এখানকার গৌতম দেব বা রবি ঘোষ মহাশয় बाखने विधायक दा सौरभ दा इधर दोनों रास्ते कतकना समय लगे किन्तु हमरा सब कुछ दल मध्य आलोचना कर सब कुछ ठीक हो। तो ये बोलते परि जोगाजोग सवार साथे रोचे दीर्घदिन परिचय सूत्रे जोगाजोग सवार साथे अपनारा देखते हैं जो राज्यपाल हठात कर तो डेके बसबे मुख्यमंत्री के आपनी 149 फिगर टा देखान एटाई सम्भावनार दिके एगिये जाच्छे। आमरा देखते पाच्छी जेको दिन राज्यपाल डेके बोलबे 149 फिगर टा आछेन कि विधानसभा निर्वाचन। कुछ बिहार दक्षिण के विधायक मिहिर गोस्वामी का बीजेपी में योगदान के बाद और भी कुछ हैवी वेट तृणमूल नेताओं का बीजेपी में योगदान को लेकर चर्चा खड़े हो गए हैं। इस विषय पर सवाल पूछने पर उत्तर बंगाल का उन्नयन मंत्री एवं नाटावाड़ी सांसद रविन्द्रनाथ घोष कहते हैं कि जहर खाकर मर जाऊंगा फिर भी बीजेपी दल से युक्त नहीं होऊंगा। रविवार सुबह कुछ बिहार में अपने निवास स्थान से पत्रकारों के समक्ष और कहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर लोगों का पूरा भरोसा है, वे दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगी। बीजेपी झूठ मूठ का अफवाह फैला रहा है। 6.5 वर्षों से बीजेपी केंद्र से भी जनसाधारण के लिए कोई कार्य नहीं किया है। जन विरोधी नीति लेकर बीजेपी लोगों को गड्ढे में गिरा रही है। मैं जितना दिन जिंदा रहूंगा ममता बनर्जी के साथ रहूंगा। कोई बुद्धि विवेक वाला इंसान बीजेपी में नहीं जा सकता। मर जाऊंगा फिर भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी इस समस्त नोंगरा खेला नेमे तृणमूल कांग्रेस करी মমতা ব্যানার্জীর নীতি আদর্শের সাথে আমরা একসাথে থেকে আমরা কাজ করছি। মমতা ব্যানার্জী আমাদের নেত্রী, তার হাত ধরেই আমাদের রাজনীতির হাতে খড়ি বলতে পারেন। এবং বিজেপি একটা সাম্প্রদায়িক দল, উগ্র সাম্প্রদায়িক দল, জীবন থাকতে ওই ধরনের উগ্র সাম্প্রদায়িক দলে আমরা কোনোদিন ঘুরেও তাকাবো না। দলে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জীর সাথে থেকে ভালো আছি, আমরাও ভালো আছি, জেলার মানুষ রাজ্যের মানুষও ভালো আছে। আগামী দিনেও যতদিন বাঁচব মমতা ব্যানার্জীর সাথেই থাকবো, তার সাথে থেকেই মানুষের জন্য কাজ করব। 2021 নির্বাচনে
এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে বিজেপি যতই সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিক, যতই উচ্ছৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করুক না কেন, 250-এরও বেশি সিট নিয়ে মমতা ব্যানার্জি আবার রাজ্যের ক্ষমতায় আসবে, আবার 5 বছরের জন্য রাজ্যের উন্নয়ন হবে, নতুন নতুন পরিষেবা মানুষ পাবে। সুতরাং মমতা ব্যানার্জির বিকল্প মমতা ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জির এই রাজ্যে কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং যে সমস্ত বিজেপির লোকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা ব্যাঙের ছাতার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, ওদের ওরা দেশটাকে এই 6.5 বছরে সর্বনাশ করেছে, দেশের দেশের অর্থনীতি, দেশের যে ভিড়টা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে দেশের মানুষকে একটা খালের মানে খাদের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সেই একটা দল, সেই দলের সাথে সাধারণ মানুষ যারা যাদের বিবেকবোধ আছে তারা কখনোই যাবে না। তাহলে আপনার আপনি যোগদানের যে খবরটা, কোনো চান্সই নেই, কোনো চান্সই নেই, বিষ খেয়ে মরবো। তাও ওই বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দল, উগ্র সাম্প্রদায়িক দল, তাদের ধারে কাছে যাব না, এটা পরিষ্কার। ভারত স্বাধীনতা কা 73 বর্ষ বাদ ওর ভি এক স্বাধীনতা কা স্বাদ চখনে যা রা হ্যায় মোহিত নগরবাসী, সমস্ত উত্তর পূর্ব ভারত কহনা ঠিক হোগা, ইয়া স্বাধীনতা হোগা চলনে ফিরনে কি স্বাধীনতা। कई सदियों से मोहित नगर रेल गुमटी पर रोक दिए जा रहे समस्त वाहनों का चलाचल, भीड़ भाड़ में फंसे हुए यात्रियों का बुरा हाल हो रहा है। गंभीर मरीज को उत्तर बंगाल मेडिकल अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले जाने के दौरान मोहित नगर रेल गुमटी पर ही रुके रहना पड़ता है एम्बुलेंस को। ऐसी परिस्थिति में बहुत बार देखा गया है कि एम्बुलेंस में ही मरीजों की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक दिन ही छोटी बड़ी दुर्घटना घटती ही रहती है। इन सभी समस्या से इस बार मुक्ति देने जा रहा है मोहित नगर का 4 लेन। साथ ही रेल गुमटी पर निर्मित उड़ालपुर ब्रिज निर्माण का कार्य प्राय समापन पर है। उड़ालपुर पर रेलिंग लगाने का कार्य चल रहा है, पर स्थानीय निवासियों का कहना है कि अभी भी बहुत कार्य बाकी है। फलस्वरूप इस रेलिंग को चालू होने में नए वर्षों के तकरीबन 6 महीने लग सकते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह 4 लेन का रास्ता उत्तर पूर्व भारत का एकमात्र लाइफलाइन होने के कारण जल्द से जल्द उड़ालपुर का कार्य समाप्त करके सभी के लिए खोल दिया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सेवक ब्रिज से भारी वाहनों का चलाचल बंद है, इसलिए मोहित नगर का यह सड़क ही एकमात्र आसरा है उत्तर पूर्व के निवासियों का। হ্যাঁ, সুবিধা তো হবেই আমাদের, কারণ এখানে যে যানজটের সৃষ্টি হয় সেই যানজট থেকে আমরা এখন অনেকটাই রেহাই পাবো, আগে খুব হতো। আর গাড়ির স্পিডটাও ভালো থাকবে, আর যা যে রাস্তা তৈরি হচ্ছে তাতে দেখা যাবে দুর্ঘটনার যে ব্যাপারটা সেটা হয়তো কমবে। তৈরি হয়ে গেলে পরে সুবিধা হবে, তখন সবারই সুবিধা হবে, গাড়ির যাতায়াত এবং মানুষজনের যাতায়াত, এদের সব কিছুতে সুবিধা হবে। এখন কোন পর্যায়ে কাজ চলছে দেখছেন? চলছে, এখন ভালোই চলছে। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ, আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হল রুম, এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, চার চাকা ও দু চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নম্বর 9434411110 এবং 9434123484। আপনি কি মার্বেলের বিপুল সম্ভার থেকে আপনার পছন্দের মার্বেলের কিংবা গ্রানাইট ইত্যাদি বেছে নিতে চান? তাহলে চিন্তা করছেন কেন? জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি গেটের উল্টো দিকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সানরাইজ মার্বেলের সুবিশাল শোরুম, যেখানে আপনি পাবেন সব ধরনের মার্বেল, গ্রানাইট, টাইলস, কোটা স্টোন ইত্যাদি বিভিন্ন ডিজাইনের সঙ্গে, এখন থাকছে ছোট বড় রকমারি সাইজও। তাই সোজা চলে আসুন সানরাইজ মার্বেল রাজবাড়ি পাড়া জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম, এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779।
আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। नवदीप में ऐतिहासिक जोड़ा बाग नौरंगी माता का पूजा इस वर्ष छोटे प्रतिमा में होने वाला है। जानकारी मिलती है कि 191 वर्षों से चले आ रहे इस पूजा में पहली बार छोटे प्रतिमा के रूप में पूजित होंगी मां। अदालत के निर्देश अनुसार नवदीप में एक रास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बड़ा प्रतिमा के स्थान पर छोटे प्रतिमा का पूजा हो रहा है। प्रत्येक वर्ष ही पूजा के दूसरे दिन भक्तगणों के कंधे पर चढ़कर प्रतिमा का शोभा यात्रा निकलता है। सड़कों के दोनों तरफ असंख्य भक्तगणों का प्रतिमा का दर्शन करने के लिए भीड़ लगा रहता है। पश्चिम बंगाल में एकमात्र नवद्वीप में जोड़ा बाग गौरांगी माता का प्रतिमा ही रास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कंधे पर चढ़ाकर शोभा यात्रा निकलता है, परंतु इस वर्ष कोरोना परिस्थिति के कारण वह ऐतिहासिक एवं पारंपरिक पूजा का छोटे प्रतिमा के रूप में पूजी जा रही है एवं इस वर्ष कोई शोभा यात्रा भी नहीं निकलेगा। हमरा कागज पड़ेछी, हमरा जेनेछी कोविड-19 परिस्थिति विश्व ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণগর জগদ্ধাত্রীপুরীতে আমরা দেখেছি যেরকম পরিস্থিতিতে ঠাকুর কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, সেই পরিকল্পনা কোভিড-19 জন্য সেটাকে সম্পূর্ণভাবে সেই বাড়াবাড়ি কমিটিগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে এবং তারা বিকল্প রাস্তা নিয়েছে কীভাবে তারা সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সেরকম পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো আমরাও সেরকমভাবে নিয়ে যেতে পারবো আমাদের প্রথা অনুযায়ী, কিন্তু আমরা নিজেরাও দেখলাম যে হ্যাঁ, মহামান্য আদালতের যে নির্দেশ আছে সেই নির্দেশকে মান্যতা দেওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা আমাদের ঠাকুরকে প্রথমে বড় ভেবেছিলাম করবো, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পুজোটা কন্টিনিউ করার জন্যে আমরা সেটাকে সরিয়ে রেখে আমরা ছোটো প্রতিমা করেছি যাতে আমরা সহজেই আমরা মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদের রীতি ছিল বরাবরই আমরা বেহারার কাঁধে ঠাকুর নিয়ে গিয়ে শোভাযাত্রায় বের হই, কিন্তু যেহেতু এবার কোনো শোভাযাত্রা আমরা করতে পারছি না কোভিডের কারণে, প্রাইভেট দ্য গ্যাদারিং, সেই জন্য আমরা ছোট প্রতিমা করেছি যাতে আমরা ঘরোয়াভাবে তাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी को हराने का लक्ष्य लिए पहाड़ के रोशन। रविवार कारसंघ के जनसभा में पत्रकारों के समक्ष केंद्रीय शासक दल बीजेपी पर तीव्र आक्रोश प्रकट किए रोशनगिरी। रोशनगिरी का आरोप है कि बीजेपी ने सिर्फ झूठे मूठे वादे किए हैं, देश की उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं, इसलिए आने वाले विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी को हराना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। दूसरी तरफ तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं रोशन बाबू। उनका आगे और कहना है कि ममता बनर्जी जो वादा करती है वह पूरा करती है, इसी का प्रचार वे पूरे राज्य के शासक दल में करेंगे। अंत में रोशन बाबू यह भी कहते हैं कि आसन्न लोकसभा निर्वाचन में जो गोरखा लैंड का सपोर्ट करेगा उसी को लोकसभा निर्वाचन में सपोर्ट देंगे, कहकर स्पष्ट किए हैं रोशनगिरी। देखिए, रोशनगिरी और उनका टीम जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन आदमी लोगों को मैदान में रखकर वो लोग कहाँ गया, जब दिल्ली में था बोलता है, कभी जंगल में था बोलता, हम लोगों को मालूम ही नहीं। वो लोग आंदोलन छोड़ के गया, हम लोग आंदोलन करते करते जब आंदोलन दिशाहीन हो गया, जब हम लोग लीडर लोग नहीं मिला, तो पहाड़ को शांति बनाने के लिए हम लोग सरकार से सूझबूझ करके हम लोगों ने पहाड़ को शांति बनाया और 3 साल एकदम शांति रहा पहाड़, और पहाड़ छोड़ के वो लोग गया, हम लोगों ने किसी पहाड़ बासी नहीं और आंदोलन कारण उन लोगों को नहीं खिताया। तो फिर वो लोग अभी आ रहा है दार्जिलिंग, जिसका भी आ भी सकता है, लेकिन जो तरह हम लोग की शांति बना है, शांति को हम लोग यथावत रहना चाहिए, और कोई शांति श्रृंखला को भंग करेगा हम लोग उस पर भी रिस्क लेकर, हमारा लाइफ का रिस्क लेकर हम दार्जिलिंग पहाड़ को बचाया था और इस बार भी बचाएंगे, इस शांति को हम लोग सस्टेन करेंगे। आदमी लोगों को खुश होना सिखाया पहाड़ में, इस खुनी खुश को हमको सस्टेन करना नहीं। हम लोग को तो बाधा देने का हमारा कोई मूड भी नहीं, इंटेंशन भी नहीं है, और हम बाधा देने वाला आदमी भी नहीं है, लेकिन उन लोगों का इंटेंशन जो आने वाला है, उन लोगों का इंटेंशन क्या है हम लोग को देख रहा है। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।